छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रायगढ़ में 3 दिवसीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से कई टीमों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दुर्ग के राजेंद्र पार्क में शनिवार को छत्तीसगढ़ प्रोफेशनल कांग्रेस द्वारा किया गया। इस भक्तिमय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहरवासी एवं कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित हुए। आयोजन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी कुछ इस प्रकार से दी। जय सियाराम, जय जय सियाराम। देखिए, सबसे पहले मैं हमारे राज्य के मुखिया भूपेश बघेल जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पूरे प्रदेश को राममय कर दिया है। पूरा वातावरण राममय हो गया है, राम राज स्थापित हो गया है। नगर में प्रतियोगिता आयोजित हुई रामायण की, फिर जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, आज राष्ट्रीय स्तर पर 3 दिन तक ये प्रतियोगिता चली, जिसमें बहुत अन्य प्रदेशों से लोग आए थे, उनको प्रसिद्ध किया गया। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों पर, उनके सच्चरित्रों पर चलने का पूरे प्रदेशवासी संकल्प लेते हैं, और जिस तरीके से भगवान श्री राम ने राज्य की कल्पना की थी, उस कल्पना को हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी साकार कर रहे हैं। भगवान राम की कृपा सबके ऊपर हमेशा बनी रहे, सबका जीवन खुशहाल हो, सब अपने जीवन में आगे बढ़ें, यही कामना करते हैं। और जो यहाँ आयोजन हुआ है, क्षितिज चंद्राकर जी ने यहाँ पर जो आयोजित किया और हम सबको लाइव देखने का जो अवसर उन्होंने प्रदान किया है, उसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज यहाँ पर 3 दिवसीय रामायण प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ शासन द्वारा किया जा रहा था, और यहाँ की संस्कृति, यहाँ श्री राम भगवान जी का ननिहाल है, कौशल्या माता का ये भक्ति है, इसको लेकर के 3 दिवसीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका समापन था, उसी को हम लोग देखने यहाँ पर आए थे। और उसके बाद अब 8 तारीख को संभागीय सम्मेलन है, जिसकी तैयारी हेतु यहाँ पर भी उसको आकलन करने के लिए कैसे होगा, क्या होगा, जगह वगैरह देखने के लिए यहाँ पर आए थे। बड़ा भव्य आयोजन रहा था, किस प्रकार का उत्साह देखने को मिला आम जनता? बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति है, और छत्तीसगढ़ शासन ने, सांस्कृतिक विभाग ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से यहाँ कर, यहाँ के धार्मिक स्थिति को समझते हुए, श्री राम भगवान का जी का यहाँ ननिहाल है, उनको का आदर मान सम्मान करते हुए यहाँ पर हमारी सरकार ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कुछ नहीं किया। माननीय हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन रायगढ़ में किया गया, और विगत जब से मुख्यमंत्री बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय भूपेश बघेल जी, तब से राम राज्य की स्थापना के दिशा में वो प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह शांति, सद्भाव, भक्ति और भाईचारे की भावना इस प्रदेश में प्रवाहित होता रहे, ये कामना करके माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रदेश में शासन प्रशासन चला रहे हैं, जिसका सुखद परिणाम हमारे प्रदेश को भी मिल रहा है। आज इसी कड़ी में लाइव प्रसारण का कार्यक्रम हमारे दुर्ग शहर वासियों के लिए हमारे प्रोफेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं क्षितिज चंद्राकर जी, उसके द्वारा किया गया था, जिसका आज हम सब ने मैंने प्रत्यक्ष लाभ लिया, और मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। इस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे इस मंच से आम जनता? जैसे भगवान राम का चरित्र रहा है, भगवान राम का चरित्र मर्यादा कर रहा है, और हमेशा जो इस देश में या इस संसार में जो दुष्ट लोग हैं, उसका विनाश करना, और सज्जनों का इस प्रकृति में, इस संसार में बढ़ावा देना, उसकी रक्षा करना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है, कि जो विनाशकारी है, जो दुष्ट लोग हैं, जो मानव समाज के लिए अहितकारी है, उनका विनाश करके संतों को आगे बढ़ाना, और संत समाज को आगे बढ़ा करके पूरा समाज एक सुखमय वातावरण में रहे, ऐसा एक संदेश
देना चाहते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि एक से लेकर तीन तारीख तक रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। ये छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी का एक महती प्रयास था और इसी के रूप को आगे बढ़ाते हुए लाइव प्रसारण के रूप में हम यहाँ राजेंद्र पार्क में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की तरफ से तत्वाधान में आयोजित ये रामायण प्रतियोगिता को लाइव प्रसारण करके लोगों के बीच में भगवान राम जो कि छत्तीसगढ़ के भांजे के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि माता कौशल्या का जो यह मायका है वहाँ पर उन्होंने अपने निवास किया था और छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ भी उन्होंने उनके पावन पग पड़े हैं वहाँ वहाँ पर हम छत्तीसगढ़ में राममय होता गया। तो इसी को हम यहाँ छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से दिखाया है और ये बताया है कि भगवान राम हमारे लिए कितने अमूल्य हैं और कितने श्रद्धावान हैं।